अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम फिर से हमारे जूम क्लास में मिल रहे हैं। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक लिखित कसौटी स्वदेपोधी कार्य। हाँ बच्चों, स्वदेपोधी में जो मैंने आप लोगों को आखिरी तीन कसौटियाँ, मौखिक कसौटी, क्रियात्मक कसौटी और लिखित कसौटी, ये मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग इसे कर लोगे। लेकिन अब लिखित कसौटी में मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगी। यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग अपनी स्वदेपोधी में यह प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, तो प्रश्न के उत्तर है वो आप लोगों को अपनी नोट में लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों, मैं इसमें विराम चिन्ह लगाऊंगी। देखो, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, यहाँ पर जो कब शब्द आया है वो प्रश्नवाचक शब्द है। कब, तो यह वाक्य प्रश्न वाक्य कहलाएगा। इसके लिए मैं इसके विराम चिन्ह में प्रश्न वाक्य का उपयोग करूंगी, सॉरी प्रश्न चिन्ह का उपयोग करूंगी। देखो बराबर, दूसरा वाक्य लिखेंगे। जल ही जीवन है, यह वाक्य सादा वाक्य है, इसलिए यह वाक्य में हम सिर्फ पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे, यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। तीसरा, नर्मदा तापी साबरमती, बच्चों नर्मदा तापी साबरमती महीसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां हैं, तो यह नदियों के नाम में हम अल्प विराम चिन्हों का उपयोग करेंगे। महीसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां हैं, यह क्या है, सादा वाक्य, इसलिए हम इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। हमारा चौथा वाक्य है, कितना सुंदर दृश्य है, तो ये जो कितना है यहाँ पर कितना प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे बात कर
कितनी शब्द हो वो प्रश्न वाक्य प्रश्न शब्द नहीं कहलाएगा, बराबर। कितनी मतलब कि अनगिनत, हम उसका शब्द में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम कितना या कितनी शब्द का प्रयोग करते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अंत में भी हम उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। हमारा पांचवा अंतिम वाक्य है, हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा
हिमालय को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अब हमारा शब्द है तेल। तेल भी क्या है? द्रव्यवाचक। तो लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में तेल। फिर है भीड़। क्या है? भीड़। और भीड़ समूहवाचक संज्ञा में आएगा, इसलिए हम भीड़ में समूहवाचक संज्ञा में लिखेंगे। नदी। नदी क्या है बच्चों? जाति। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम नदी को यहाँ पर लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है पर्वत। पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। पर्वत के बाद है नर्मदा। नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों यहाँ पर मेरी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ पर इसकी जो तीन बॉक्स बने हैं इसके स्वदेशपुत्री में उसमें एक के नीचे एक आप लोग लिखोगे नर्मदा। पेड़। पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा पेड़। अब है बुराई। बुराई हम किस में लिखेंगे? भाववाचक, क्योंकि यह भाव दर्शाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बुराई। सेना। सेना यह समूहवाचक संज्ञा में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेना कई सारे व्यक्तियों को मिलाकर बनती है तो सेना कहलाती है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा में आएगा, लिखेंगे हम सेना। और हमारा अंतिम शब्द है झुंड। झुंड भी समूहवाचक शब्द संज्ञा में आएगा, क्योंकि झुंड का मतलब आप लोगों को पता है ना, झुंड मतलब बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो, बहुत सारे लोगों का समूह, तो झुंड किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। चलो बच्चों यहाँ पर हमारा जूम क्लास का विषय लिखित कसौटी में प्रश्न दो और प्रश्न पांच यहाँ पर पूरा होता है। आप लोगों को अपनी स्वदेशपोथी में यह प्रश्न लिखने हैं और प्रश्न चार, मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायक है या हानिकारक, क्यों? इसके ऊपर आप लोगों को अपने विचार लिखने हैं। बच्चों आप लोग तो अपने आसानी से यह लिख सकोगे। क्यों? क्योंकि अब आप लोग मोबाइल का उपयोग करते हो गए हैं, जैसे कि जूम क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, बराबर, मोबाइल में सिलेक्शन करना, ये सब कार्य अब आप अपने मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल आप लोगों के लिए लाभदायी है या हानिकारक? लाभदायी है तो क्यों लाभदायी है, हानिकारक है तो क्यों हानिकारक है, यह आप लोगों को अपने इस प्रश्नचार में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।